आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाकर मायावती ने क्या सही फैसला लिया? जो सर्वे सामने आया उसे देखेंगे तो यही कहेंगे चंद्रशेखर की बात सच हो गई। सर्वे में सवाल यही था, बीएसपी में मायावती की विरासत को भतीजे आकाश आनंद क्या बढ़ा पाएंगे? सच्चाई सामने आ गई, हो गया बहुत साफ। यूपी में मायावती के बाद अक्सर ये सवाल होता है, मायावती के बाद बहुजनों का कौन होगा नेता, आकाश आनंद या चंद्रशेखर? खास बात यह है कि आकाश आनंद कांचीराम और मायावती की बनाई पार्टी के उत्तराधिकारी हैं, जिसके साथ कैडर वोट दशकों से जुड़े हैं। लेकिन चंद्रशेखर ने राजनीति की दुनिया में अपनी पहचान अपने दम पर बनाई, तभी जब आकाश आनंद को बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था तो चंद्रशेखर ने जो बयान दिया उससे ऐसा लगा कि वो कह रहे हैं उत्तराधिकारी तो बन गए, संभालेंगे कैसे? क्या मायावती की तरह दलितों के दिल को जीत पाएंगे? अब चंद्रशेखर के सवाल का जवाब मिल गया, एक सर्वे ने पूरी सच्चाई बता दी। सर्वे में सवाल पूछा गया, क्या आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाकर मायावती ने क्या सही फैसला लिया? बीएसपी में मायावती की विरासत को भतीजे आकाश आनंद क्या बढ़ा पाएंगे? जो सर्वे आया है वो चौंकाने वाला है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में हुई पार्टी की बैठक में अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का नेतृत्व करने के लिए अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस बैठक में मायावती ने साफ कर दिया था कि वह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कमान संभालती रहेंगी, हालांकि आकाश आनंद अन्य राज्यों के संबंध में फैसला लेंगे। इसी बीच अब एक प्राइवेट न्यूज चैनल ने एक सर्वे किया जिसमें लोगों से पूछा गया क्या बीएसपी में मायावती की विरासत को भतीजे आकाश आनंद बढ़ा पाएंगे या नहीं। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से तो मायावती का फैसला गलत साबित होता दिख रहा है, क्योंकि जहां 22% लोगों ने हां कहा है तो वहीं 57% लोगों का मानना है कि बीएसपी में मायावती की विरासत को उनके भतीजे आकाश आनंद नहीं बढ़ा पाएंगे। इसके साथ ही 21% लोगों ने पता नहीं का जवाब दिया है। आकाश आनंद की राजनीति में एंट्री साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। आकाश आनंद की पढ़ाई लंदन से हुई है और उन्होंने लंदन से एमबीए किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मायावती ने भी अपनी पार्टी को साफ निर्देश दिया है कि वे जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दें। वहीं अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में मायावती की बसपा का क्या प्रदर्शन रहेगा। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा महागठबंधन के तहत चुनावी मैदान में थी और इस चुनाव में बसपा, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ थे। इस चुनाव में बसपा ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं अब बसपा ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अकेले ही मैदान में उतरने का फैसला किया है।